नमस्ते दीदी। नमस्ते लता। दीदी, बच्चों और माताओं के आने का समय हो गया, चलिए सारी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ लता, अभी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। वैक्सीन की शीशी को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और वीवीएम लेबल चेक करना जरूरी है। अगर ये सब सही है तभी शीशी की सील हटा की उसमें ड्रॉपर फिट करना चाहिए। दीदी नमस्ते। अरे सुमन, आओ आओ, कैसी हो, यहाँ बैठो। बहुत अच्छी। कितने महीने की हो गई तुम्हारी बेटी, बड़ी प्यारी है। जी, अब पूरे 1.5 महीने की हो गई है। आशा बहन जी ने बताया था कि आज टीके लगेंगे, मैं बेटी को लेकर आई हूँ टीके के लिए। बिल्कुल सही बताया आशा बहन जी ने। और कैसी तबीयत रहती है इसकी, कोई दिक्कत, बुखार या दस्त या खान पान में किसी किस्म की परेशानी? जी, भगवान की कृपा से इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और दूध पीने में भी ज्यादा परेशान नहीं करती मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका टीकाकरण कार्ड साथ लाई हो? जी हाँ, ये लीजिए। आज तुम्हारी बेटी को 3 टीके लगेंगे। इनमें सबसे पहले होगी पोलियो की खुराक, फिर रोटा वायरस वैक्सीन की ड्रॉप्स और आखिर में पेंटावेलेंट का इंजेक्शन दिया जाएगा। अच्छा दीदी। सुमन, अब अपनी बेटी को अपनी गोद में इस तरह से बैठा लो कि इसका सिर तुम्हारी कोनी पे आराम से रहे। दीदी ऐसे? हाँ बिल्कुल सही। अब पोलियो ड्रॉप्स देने के बाद मैं इसको रोटा वायरस की ड्रॉप्स दूंगी। अब इसको पेंटावेलेंट का इंजेक्शन देना है। सुमन, अब तुम आधे घंटे इधर बैठो, तब तक मैं बाकी बच्चों को टीके लगा देती हूँ। दीदी, इसको अपना दूध पिला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सुमन। नमस्ते दीदी। अरे सुधा, आओ आओ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ बैठो। सुमन, आधा घंटा हो गया, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। मगर याद रहे, रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को गंभीर डायरिया से बचाने के लिए दिया जाता है। इस वैक्सीन की कुल 3 डोजेस हर 1 महीने के अंतराल में बच्चों को देना आवश्यक है, मतलब 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में शिशु को पोलियो, रोटा वायरस और पेंटावेलेंट टीके देना जरूरी है। याद रहे, सारे टीके सही समय पे लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन देने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार या हल्के दस्त भी लग सकते हैं, मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये दवाई लो और अगर जरूरत पड़े तो अपने बच्चे को दे देना। और हाँ, इसको माँ का दूध पिलाते रहना। आज से ठीक 1 महीने बाद फिर से आना अगले टीके लगवाने। ये कार्ड संभाल के रखना और जब भी यहाँ आओ इसे साथ लाना मत भूलना। कोई भी परेशानी के लिए आप मुझे या डॉक्टर की सलाह ले सकती हो। जी शुक्रिया। ठीक है।